हेलो गेमर्स, मैं हूँ आपका गेमिंग मेट और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल गेमिंग मेट पर। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं हमारी प्यारी चुलबुली और एडिक्टिव गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। यस, तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और हम हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड में, पिछले जो हमने टिकटॉक हैक बनाया था उसी वर्ल्ड में। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जो कुछ मतलब इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ आज मैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सीक्रेट प्लेसेस कैसे बना सकते हो अपने डायमंड्स या कोई इंटरेस्टिंग आपके जो रेयर आइटम्स है वो छुपाने के लिए। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ, कुछ सीक्रेट प्लेसेस जो कि आप एकदम इजी प्लेसेस हैं और जो किसी को भी नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ आपको पता चलेगी और वहाँ पर आप अपनी कीमती चीज़ें रख सकते हो और ये मल्टीप्लेयर गेम में काफ़ी काम आते हैं। अगर आप मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो आपको फ्रेंड्स को आपका फ्रेंड्स आपका अगर चुरा रहा होगा कुछ तो आप ये कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल एकदम प्लेसेस है जो कि एकदम सीक्रेट है, किसी को भी नहीं पता चलेगी। वहाँ पर आप अपना सीक्रेट जो सामान है आपके आइटम्स वो आप छुपा सकते हो, तो ये मल्टीप्लेयर में भी काम आएगा। और अगर आप ऐसे मेरे जैसे सिंगल प्लेयर खेल रहे हो अकेले तो भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। तो चलिए हमारे वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारी पहली ट्रिक के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस लावा बकेट चाहिए और एक चेस्ट चाहिए। और जब मतलब आप अगर मल्टीप्लेयर खेल रहे हो या सिंगल प्लेयर भी खेल रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो और बिल्कुल भी आपके फ्रेंड को या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे डायमंड्स जो कीमती चीज़ें यानी कि डायमंड्स वगैरह वो कहाँ पर छुपाए। तो ये ट्रिक बहुत ही ईजी है, तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। तो बस आपको क्या करना है, 3x3 के इससे ऐसा गड्ढा खोद देना है, 3x3 का, ओके, बस इतना गड्ढा खोद देना है एंड देन बीच में और एक गड्ढा खोदना है एंड फिर आपकी जो चेस्ट है वो यहाँ पर आपको रख देनी है एंड इसमें जो भी आपका कीमती सामान है वो आप रख दो एंड देन बस हो गया। एंड आपको जो लावा बकेट है वो सिर्फ बाजू में डालना है, बीच में यहाँ पर नहीं डालना, सिर्फ बाजू बाजू में आपको लावा बकेट डाल देना है, पूरा लावा से भर देना है, ये लावा पुल बना देना है पूरा। ओके, एक सेकेंड, ओके, तो इसे आपको डाल देना है और आप देख सकते हो लावा बहुत ही अच्छी तरह से फैल चुका है सभी जगह पर। और आप सोच रहे होगे कि अभी चेस्ट शायद जल गई होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चेस्ट बिल्कुल भी जलती नहीं है क्योंकि चेस्ट हमने इसके अंदर रखी है। तो आपको मतलब फ्रेंड होगा आपको, तो ये मैंने ऐसे ही घर बना के रखा है क्योंकि इस वीडियो के लिए इसे मैंने ट्यूटोरियल के लिए घर बना रखा है नॉर्मल। तो इसे आप घर के बाजू में ऐसे बना सकते हो लावा पूल और किसी को भी पता नहीं चलेगा। और आपको जस्ट मतलब निकालना होगा तो जस्ट आपको यहाँ पर बीच में क्लिक कर देना है, एक सेकेंड, यहाँ पर, एंड देखो चेस्ट ओपन हो चुकी है एंड अपन आप सामान ले सकते हो उसमें, जो भी आपने रखा है वो अपना सीक्रेट सामान वो ले भी सकते हो और फिर से चेस्ट में रख भी सकते हो। तो ये बहुत ही सही ट्रिक है, मतलब देखो भाई पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर चेस्ट होगी, सिर्फ आपको इसे जाके यहाँ पर बीच में क्लिक कर देना है और चेस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये बहुत ही सही ट्रिक है, ये ज़रूर आप ट्राई करना और कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे ट्रिक के बारे में। तो गाइस, सेकेंड ट्रिक के लिए भी आपको सिर्फ तीन ही चीज़ें चाहिए। एक चाहिए आपको ब्लैक कंक्रीट, और ब्लैक का कौन सा भी ब्लॉक आप ले सकते हो, तो और वाइट कंक्रीट भी चाहिए आपको, वाइट का भी कौन सा भी ब्लॉक ले सकते हो, और एक वाइट शुल्कर बॉक्स चाहिए बस। तो ये भी ट्रिक काफ़ी सही है गाइस। तो आपको क्या करना है, बस आपके घर में जाना है, इसे मैं ट्यूटोरियल घर इसलिए बना ही रखा था क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ट्यूटोरियल और करने वाला हूँ। तो बस आपको जो नीचे टाइल्स हैं मतलब नीचे का जो बेस है ये आप सब आपको मतलब सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कर देना है पूरा, और मैं ऐसे मतलब यहाँ पर वाइट देन ब्लैक, वाइट देन ब्लैक, ऐसा पूरा का पूरा मतलब जो बेस है वो काफ़ी सही लगता है, वो पूरा ब्लैक एंड वाइट कर देना है। तो मैं फटाफट से ये ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 2000 years later। तो ओके गाइज, मैंने मतलब ये जो अंदर के टाइल्स थे सब ब्लैक एंड वाइट कर दिए और ये काफ़ी सही लग रहे हैं, आप देख सकते हो जो वुड के थे उससे भी काफ़ी सही लग रहे हैं, ये चेकर्स टाइप लग रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, तो ये काफ़ी सही लग रहे हैं टाइल्स। और मेन हमारी ट्रिक है ये, और मतलब ये सब नॉर्मल ही लग रहे हैं पर
जिनकी आंखें अच्छी है उनको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने शुल्कर बॉक्स रख दिया है और यही हमारी ट्रिक है। यहाँ पर आप अपना सीक्रेट रख सकते हो कुछ भी सामान, एंड देन ये बंद हो जाएगा। और ये कितना मतलब कॉम्बिनेशन वाइट ब्लैक का, इसलिए मतलब समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। देख सकते हो आप, ऐसा लग भी नहीं रहा है कुछ कि यहाँ पर कुछ होगा सीक्रेट सामान। तो बस ये थी दूसरी ट्रिक, और ये भी काफ़ी सही है, मुझे काफ़ी ये पसंद है। मतलब देखो कुछ मतलब लग ही नहीं रहा है भाई कि यहाँ पर कुछ है, और अगर पास जाओगे तो ये पूरा मतलब वाइट सेम ही लग रहा है। पर ये है हमारा शुल्कर बॉक्स, और इसमें आप अपना सीक्रेट सामान, कीमती सामान रख सकते हो, और ये वापस बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी सही लग रहा है, देखो मतलब दिख भी नहीं रहा है कि वहाँ पर शुल्कर बॉक्स होगा। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक, और ये भी काफ़ी अच्छी है, ये भी आप ज़रूर ट्राई कर देना। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारी तीसरी ट्रिक की तरफ। तो गाइस, हमारा तीसरा ट्रिक, हमारी तीसरी जो कि हमारे डायमंड छुपाने को सीक्रेट, हमारे आइटम्स छुपाने की तीसरी ट्रिक है, वो भी बहुत मस्त है, तो वो भी देखिएगा। तो ये है हमारा घर, तो वो कैसे बनाते हो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे हमारा घर में एक कोने में आपको जस्ट ऐसा एक रूम बनाना है छोटा। तो उसके लिए जस्ट आपको ऐसे दो ब्लॉक खोदिएगा, इसे दो ब्लॉक तोड़िएगा, पर ऐसे सिर्फ आप कॉर्नर में बना सकते हो वो चीज़। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कॉर्नर में ऐसे रूम बनाएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मतलब ऐसे दो ब्लॉक ऊपर के और नीचे के करने, और आपको यहाँ पर डोर लगा देना है बस इस तरीके से, और ये बन जाएगा हमारा एक छोटा सा रूम। और मतलब कोई भी आएगा आपका फ्रेंड और, तो इसलिए यहाँ पर चेस्ट रख के जाए, और इसमें कुछ भी आपका वेस्ट सामान रख दीजिएगा ताकि शक ना हो कि ये रूम किस लिए बनाए। तो आपका फ्रेंड या कोई भी आएगा तो देखेगा, अरे भैया यहाँ पर रूम है, क्या है रूम में, अरे पर देखेगा तो रूम में कुछ मतलब इस रूम में चेस्ट होगी और उसमें सिर्फ फूड होगा, पर हमारा एकदम सीक्रेट एंट्रेंस सीक्रेट रूम यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे दो ब्लॉक को दे, और यहाँ पर चेस्ट रख के इसमें आपका कीमती सामान रखिएगा जैसे कि डायमंड वगैरह, और मतलब और देखो मतलब कैसा लग रहा है। और कोई भी आएगा तो मतलब ऐसा ही सोचेगा, यहाँ पर ये जो डोर है ये खोलेगा, देखेगा अरे भाई यह तो चेस्ट है, चेस्ट में तो वुड है, और डायरेक्ट दरवाज़ा बंद करके चला जाएगा। पर मतलब ये ट्रिक बहुत ही सही है गाइस, मतलब मुझे बहुत ही पसंद है ये ट्रिक, देख सकते हो आप। मतलब समझ भी नहीं आ रहा है कुछ, ऐसे लग रहा है कि दरवाज़ा खोला और सिर्फ चेस्ट है, पर हम आएंगे तो मतलब ऐसे अंदर आएगा वो तो भी उसको दिखेगा नहीं कि यहाँ पर चेस्ट है। तो अगर हम ऐसे अंदर आके ये बंद करेंगे तो यहाँ पर पड़ी होगी चेस्ट। तो ये भी काफ़ी सही ट्रिक है, इसे आपको छोटी सी रूम बनानी पड़ेगी कोने में, और ऐसे रूम बनाने के बाद तो पूरा वो अंदर आएगा तो भी उसे पता नहीं चलेगा कि और एक चेस्ट है इस रूम में। तो हम ऐसे आएंगे जस्ट बंद करेंगे और यहाँ पर हमारा होगा कीमती सामान। तो बस गाइज यही थी आज की तीन ट्रिक, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको अगर इसके नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, आपको इसका मतलब इस ट्रिक्स के और एपिसोड्स आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट्स में बताना। और प्लीज़ गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको मेरे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।